छत्तीसगढ़ के नगरी के प्रसिद्ध कर्णेश्वर धाम देवपारा में एकल विद्यालय शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। शिविर में अध्यक्ष रवि दुबे, मोतीलाल दिवाकर, आरपी साहू, विमल मिश्रा, महेंद्र नेताम ने मार्गदर्शन दिया। इस 10 दिवसीय शिविर में पंच शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कई शिक्षक शिक्षिकाएं और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। एकल विद्यालय एक अभियान है हमारे पूरे हिंदुस्तान में, उसमें सियावा क्षेत्र भी शामिल है। हमारे सियावा क्षेत्र में एकल विद्यालय संच एक ग्रुप है, एक समूह, एक संगठन है। उसमें 19 विद्यालय अभी हमारे संचालित हैं। उसी तरह गंगरेल संच है, एक संगठन है। गंगरेल संच में भी 19 विद्यालय आते हैं एकल विद्यालय का। उनके जो शिक्षक हैं, उनका जो आवासीय प्रशिक्षण अभी यहाँ पर 10 दिवसीय हुआ कर्णेश्वर धाम में, 22 तारीख से लेकर 1 तारीख तक, आज कल उनका समापन हुआ। आज उनको हम विदाई दे के भी आए हम लोग। और 10 दिवसीय पंचमुखी शिक्षा, ये एकल विद्यालय वहाँ पर है संचालित जहाँ पर सरकार की शिक्षा से गतिविधि शून्य है, जहाँ पर प्राथमिक शाला भी नहीं है, ऐसे जगहों पर, ऐसे ग्रामों में एकल विद्यालय संचालित करने का हमारे कुछ पुरखा के लोग सोचे और उसको चला रहे हैं। नगरी संच एवं गंगरेल संच के प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नगरी संच से 20 प्रशिक्षार्थी थे एवं गंगरेल संच से 20 प्रशिक्षार्थी थे, जिनको प्रशिक्षण देने के लिए 5 प्रशिक्षक राजिम भाग से आए हुए थे, जिनके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया और आज उनकी ससम्मान विदाई की गई।